अगर आप लोग पेज 53 में आएंगे दोस्तों स्टडी मटेरियल के, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क दिए थे स्पेसिफिकली रेफरिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, राइट सर? जी हाँ बिल्कुल, आपने ये हम लोग को कहा था करने को सर। ठीक सर, अब आप बताएं कि हमारा जर्नी कहां से स्टार्ट हो रहा है आज के क्लास का। ओके, तो मैं बोलूं दोस्तों कि पहले तो 5 का जो क्वेश्चन है आप लोगों ने आई बिलीव कर लिया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो गाइज यू नो नाउ वुड बी द राइट टाइम टू आस्क मी, बिकॉज उसके बाद अपने लोग मूव ऑन करेंगे और आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना? अपने लोग फिर मूव ऑन करने वाले हैं और आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चंस, नाउ वुड बी द राइट टाइम टू स्पीक अप। हाँ, एक जो क्वेश्चन मुझे आया और जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताने लायक है वो है ये वाला पार्ट नंबर 6, 5 का पार्ट 6। इट्स रियली यू नो अ गुड वन। व्हाई इट्स अ गुड वन? बिकॉज ये उसी लाइंस में है बट स्लाइटली डिफरेंट। आइए देखते हैं, मैं बात कर रहा हूं पेज नंबर 53 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 6 के, ठीक है जी सर। अब क्वेश्चन क्या बोलता हम लोगों को, अगर आप लोग ध्यान दें तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोलता हम लोगों को, प्रूव दैट, क्वेश्चन अपने को बोलता है प्रूव दैट 10, 20, 40, 60, 80 इक्वल्स टू 3। ये अपने को प्रूफ करना है। देखो आप लोग, प्रूफ दैट 10-20 डिग्री टू 10-40 डिग्री, 10-60 डिग्री टू 10-80 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3। ये आप लोगों ने प्रूफ करना है, ठीक है ना सर? हाउ डू यू मूव ऑनवर्ड्स विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? मैं बोला देखें 20-40, अच्छा हाँ ठीक है। तो आप लोग अब ध्यान दीजिएगा, 20-40-60-80 है जी सर, बिल्कुल है। अब मैं बोलता हूं कि हमेशा फोकस करिए उस पर जिसका वैल्यू आपको मालूम है। LHS लीजिए, ठीक सर, ले लिया। अब मैं बोलता हूं आप लोग LHS में 10-20 डिग्री, 10-40 डिग्री, ठीक है ना, 10-60 डिग्री, 10-80 डिग्री पुट फॉरवर्ड करें। कर दिया सर। अब आप आगे बोले सर, मैं बोलता हूं देखो अगर साइन या कॉस होता तो आप लोग को याद है ट्रिक 1/2 और 2, तो 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट चला जाता। जी सर चला जाता, लेकिन यहां पर तो 10 है सर। तो जो लोग फंसे या जो लोग परेशान हुए वो इसलिए परेशान हुए क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं था कि इसका क्या करना है, मतलब इस वैरायटी का क्या करना है। तो मैं बोला इसको रीअरेंज करिए, जिसका वैल्यू मालूम है उसको साइड में रखिए एकदम, 10-40, 10-80, और गाइस एवरीबॉडी नोज कि 10-60 रूट 3 है, ठीक है ना? 10-60 जो है वो रूट 3 है। जी हां बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। ओके, आप लोग बोल रहे हो नहीं, मैं बता दे रहा हूं, नहीं क्वेश्चन में नहीं, अच्छा आप में से कुछ फ्रेंड्स बोल रहे हैं, ठीक ही बोल रहे हैं। मैं बता दे रहा हूं कि मैं एक्चुअली 5 का पार्ट 5, 40-60-80 वो वाला है ना, तो मैं 5 का पार्ट 5 कराने लग गया हूं। और हाँ बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग इट आउट कि अपने को 3 करना है, बिल्कुल ठीक। प्रूफ दैट 10-20-20-40-10-60-10-80 इक्वल्स टू 3, ये बात आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना? ओके, और मैं 5 का पार्ट 5 करवा रहा हूं, सो ठीक है। ओके, अब आप लोग ध्यान दीजिए, तो 10-20-40-80 दोस्तों ये एक तरफ कर लो, 60 की वैल्यू आप लोगों को मालूम है विच इज वॉट सर, रूट 3 लगा लो। अब आप लोग अगर ध्यान दोगे तो अपने लोग जितना भी फॉर्मूलाज पढ़े थे, लास्ट क्लास का बात कर रहा हूं मैं, तो 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, यू नो 2 साइन ए कॉस बी या 2 कॉस ए साइन बी, इस वैरायटी का, इस वर्जन का हम लोगों ने चेकआउट किया था, करेक्ट? परंतु एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जहां 2 टेन ए टेन बी काइंड ऑफ थिंग्स वेर मौजूद। अग्रीड सर, अग्रीड। तो सर अब आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ऐसा सिचुएशन आए तो आप साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करो। मतलब देखो मैंने क्या किया, आप देखो वैसे ही इधर पे साइन 40, ओह सर समझ में आया, होल डिवाइडेड बाई कॉस 40, ऑल राइट सर। और सिमिलरली साइन 80 बाई कॉस 80, रूट 3 अपना रूट 3 न्यूमरेटर में रहेगा, नथिंग डूइंग बिकॉज इट इज व्हाट इट इज, करेक्ट? जी सर बिल्कुल। सर आगे का जर्नी आप बताइए। मैं बोला देखो अब आगे का जर्नी ऐसा है, मैं बोला अब देखो आगे का जर्नी अपने लोग का ऐसा है कि हाउ डू वी प्रोसीड हियर, व्हाट वी डू बेसिकली इज कि मैं साइन 80 कॉस 80 को अलग रखा, मैं ऊपर नीचे 2 इंट्रोड्यूस करता हूं, तो क्या होगा? ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई मैं किया, आप लोग ध्यान देना, तो हुआ क्या, ये एक तरफ आ गया, तो साइन 80 डिग्री,
डिवाइडेड बाई दोस्तों 2 कॉस 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री और कॉस 80 अपने लोग बाजू में रखेंगे साइड में, ठीक रूट 3। अब यार यू गाइस कैन नॉट डिनाई कि 2 साइन ए साइन बी और 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला आप लोग को नहीं पता। डेफिनेटली यस पता है सर हमें, मैं बोला देखो लिख कर भी मैं बता देता हूं, ठीक है ना। कुछ आज नई सेट ऑफ आइडेंटिटीज भी इंट्रोड्यूस करूंगा, परंतु पहले आप लोग ये देखो 2 साइन ए साइन बी है गाइस, तो 2 साइन ए साइन बी है तो हाउ डज इट अप्लाई, यू नो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बिकॉज साइन के डबलेट्स है, बिकॉज साइन के डबलेट्स है सर बिल्कुल ठीक। तो मैं बोलता हूं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी साइन के डबलेट्स है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट दिस वे। अच्छा नीचे में अगर आप लोग ध्यान दो तो 2 कॉस ए कॉस बी बन रहा है, मैं अलग से बताऊंगा फॉर्मूला बताऊंगा मतलब रिवाइज करवाऊंगा, इससे अच्छा मैं यहां पर ही बता दूं। अब दोस्तों आपको पता है कि इस सिनेरियो में आपका कॉस का डबलेट्स है, जब भी डबलेट्स फॉर्मूला किसका कॉस का, जब भी डबलेट्स फॉर्मूला किसका कॉस का, ठीक पकड़े आप। तो बिल्कुल कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी खत्म हो गया सर, बिल्कुल खत्म हो गया। अब मैं क्या बोलता हूं ध्यान दीजिएगा इज इक्वल्स टू ध्यान दीजिएगा 2 साइन 20 है तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब कॉस ऑफ 20 माइनस 40, कॉस ए माइनस बी यानी कि 20 माइनस 40 माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस ए प्लस बी यानी कि 20 प्लस 40 खत्म। जी सर पहले तो आप लोग ध्यान दें, आप लोगों ने सिर्फ इतना सॉल्व किया है, तो आप लोग में से काफी लोग ये मिस्टेक करते हो कि इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते, भाई ब्रैकेट में लिखना ये मिस्टेक मत करना आप लोग, और भी बहुत मिस्टेक्स है करने को वो करो, ये क्यों करते हो। तो साइन 80 हो गया करेक्ट दोस्तों, जी सर बिल्कुल करेक्ट। रूट 3 लिख दूंगा डोंट वरी, डिवाइडेड बाई यहां अपने लोग का कॉस 80 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, रूट 3 अपने लोग का चिल मार रहा है यहां पे साइड में, और ये देखो 2 कॉस ए कॉस बी है तो भैया इसका क्या होगा कॉस ए प्लस बी यानी कि 20 प्लस 40 यानी कि 60 प्लस कॉस ए माइनस बी यानी कि 20 माइनस 40 करेक्ट सर बिल्कुल ठीक बोलते हो आप। मैं बोला ओके ठीक है सर आगे बोले सर। अब आप मैं बोला अगर आप लोग आगे ध्यान दोगे तो आप लोग का क्या आता है देखो कॉस 20 माइनस 40 कॉस ऑफ माइनस 20 विच इज कॉस 20 कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ना बाबा सर बिल्कुल ठीक। लेकिन अब आप लोग देखो यहां पर देखो आप लोग अगर आप लोग ये सब करोगे तो इसमें क्या है आप लोगों का ये खुलना शुरू होगा मतलब कॉस ऑफ माइनस 20 मैं डायरेक्टली लिख दिया कॉस 20 बगल में लिख देना कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा वरना एग्जामिनर नंबर काटेगा पक्का है। माइनस कॉस 60 गुड टू सी की कॉस 60 का वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है ठीक है ना। साइन 80 अपने लोग वैसे का वैसे ही रखे हैं, रूट 3 अपने वैसे का वैसे ही रखे हैं ओके। माय इज मूविंग ऑन नीचे में अब आप लोग का देखिए कॉस 60 का वैल्यू आप लोग को मालूम है, रूट 3 अपने लोग लगाए थे एक्चुअली कॉस 60 है तो कॉस 60 का वैल्यू अपने को मालूम है इट्स व्हाट साइन 30 इज 1/2 ठीक है जी सर वो अपने लोग लगाएंगे। पर आप लोग आगे देखें यहां पर अपने लोग का 20 माइनस 40 है अगेन गिविंग अस व्हाट कॉस 20 बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा तो मैं अलग से कॉस माइनस 20 लिखूं और फिर टाइम पास करूं इट इज समथिंग दैट आई डोंट नीड टू डू या वी एज एन एग्जामिनर इन एग्जाम डोंट नीड टू डू ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान से सुनना सर बोलो क्या सुने। ये रूट 3 को मैं सामने लिख देता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस और कुछ नहीं है। अब आप लोग देखो अंदर में ये जो कॉस 20 है इसके अंदर में आप लोग को फॉर्मूलाज मालूम है, कॉस 60 का मालूम है आपको कितना सर 1/2 अभी तो आपने बताया मैं बोला ठीक। सो गाइस मूविंग ऑन यहां पर तो नहीं है कुछ ठीक है। तो गाइस मूविंग ऑन कॉस 60 अपने लोग का 1/2 प्लस कॉस 20 और डिवाइडेड बाई कितना है अपने लोग का कॉस 80 है ठीक सर ठीक। फिर आप लोगों को याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो मैं याद दिला दूं कि वी हैव गॉट टू ओपन थिंग्स अप नाउ वी हैव गॉट टू ओपन अ थिंग्स अप नाउ। सर मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये साइन 80 को अंदर डालोगे ब्रैकेट के मतलब क्या होगा देखो अंदर रूट 3 बाहर ही है माइंड यू तो 2 है कोसाइन 80 अंदर गया साइन 80 अंदर गया अच्छा ठीक है एक एक करके करते हैं वरना कंफ्यूज आ जाओगे। तो कॉस 20 इंटू साइन 80 माइनस देखो कॉस 20 इंटू साइन 80 समझ गए हाफ इंटू साइन 80 बराबर सर ये सर ठीक है ये सर थोड़ा बेटर लग रहा है ये ठीक है सर होल डिवाइडेड बाई ध्यान दीजिएगा इसमें भी कॉस 20 अंदर अपने डालेंगे तो अपने लोग का क्या हो जाएगा
कॉस 80 बाई 2 प्लस, ध्यान दीजिएगा, हाँ कॉस 80 बाई 2 प्लस कॉस 80, अच्छा इसको ना ऐसे बेटर लिखना है, लिखना बेटर है, हाफ कॉस 80 प्लस कॉस 20 इंटू कॉस 80। माय डियर फ्रेंड्स एक बार कंफर्म करिए कि यहां तक आप लोग अग्री करते हो टू द आइडिया दैट वी आई हैव शेयर्ड, कोई दिक्कत है तो बोलिए, यो और नो, क्या बोलती पब्लिक, यहां तक अग्री करते हो डिसअग्री करते हो? अच्छा ये कॉस 80 है, इफ एनीबडी हैज कंफ्यूजन, ऑलराइट, यहां तक अग्री करते हो डिसअग्री करते हो ये बताना गाइस। हाँ सर, अच्छा ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखो अगर आप लोग नहीं अभी रियलाइज किए हो तो, ये क्वेश्चन इसलिए बहुत बढ़िया है ना, चारों आइडेंटिटीज इसमें प्रैक्टिस होगा आपका, ये क्वेश्चन में चारों आइडेंटिटीज प्रैक्टिस होगा, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज अ गुड वन इंडीड, ठीक है ना। हाँ सर बोले आप, आगे बोले सर, मैं बोला ओके आगे सुने आप लोग, ये देखिए ये जो है वो तो है, वो तो है जो है, ठीक है अब देखिए आप लोग बात को, मैं बोला ध्यान दीजिएगा, का मतलब रूट थ्री आप लोग जो है इसमें अब आगे क्या मसाला डालोगे वो देखो आप लोग, रूट थ्री है टू एलसीएम है, तो आप लोग क्या करोगे, टू कॉस 20 साइन 80 माइनस साइन 80 होल डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिएगा यहां पर भी मैं टू एलसीएम ले सकता हूं और मेरा क्या आ जाएगा, कॉस 80 प्लस टू कॉस 20 कॉस 80 आ जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा सर। हाँ सर आएगा इस प्रकार, बिल्कुल हम लोग अग्री करते हैं आपसे, बोला ग्रेट, अगर आप लोग अग्री करते हो तो इवन ग्रेट। अब मैं बोला ध्यान से सुनना, व्हाट नेक्स्ट सर, द क्वेश्चन इज कि व्हाट नेक्स्ट, अब सर आप क्या बुद्धि लगाने वाले हो, मैं बोला देखो सिंपल सा बात है, मैं अब ये बुद्धि लगाने वाला हूं कि ये माइनस साइन 80 जो है वो तो है, लेट इट बी व्हाट इट इज, मैं बोलता हूं यहां पर कि सबसे पहले आप लोग नोटिस करो, बुद्धि लगाओ, तो ये 2 2 कट जाएगा, इधर पे भी डिनोमिनेटर में 2, इधर पे भी डिनोमिनेटर में 2, तो व्हाट एम आई लेफ्ट विथ, रूट थ्री टू कॉस 20 साइन 80 माइनस साइन 80 होल डिवाइडेड बाई, ध्यान देना आप लोग बात पे, है ना, ध्यान देना बात पे आप लोग, कॉस 80 प्लस टू कॉस 20 कॉस 80, करेक्ट, जी सर करेक्ट। मैं आप लोगों को एक बात हमेशा बोलूं कि जो ज्यादा है ना वो पहले रखिए, मतलब कॉस 20 साइन 80 है, साइन अगर ज्यादा है तो साइन को आगे रखिए, तो 2 साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री, बस और कोई चेंज नहीं है सर, फायदा क्या। अब मैं बोला ध्यान दो, अगर आप लोग ध्यान देते हो तो आप लोगों को एक फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, और वो क्या, देखो 2 कॉस ए कॉस भी आई विल नॉट रिपीट, अच्छा लिख देता हूं एक बार जिससे आप लोग को रिवाइज ज्यादा हो, पर इट्स जस्ट अ रिपीटेशन गोइंग ऑन, मैं इसीलिए इसको नीचे लिख रहा हूं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इंपॉर्टेंट क्या दिखाना था आपको ये देखिए, ये तो बात नंबर 2 है, इसको मैं ऊपर भी लिखा हूं, आई रिमेंबर इट, 2 साइन ए कॉस बी, तो गाइज अगर 2 साइन ए कॉस बी है, ये बात तो आप लोगों को क्लियर है कि ये कॉस का फॉर्मूला तो नहीं हो सकता सर, हमें पता है कि ये कॉस का फॉर्मूला नहीं है, परंतु साइन ग्रेटर है। अच्छा गाइज अगर साइन ग्रेटर है तो इसका मतलब आप लोग क्या करोगे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज वॉट यू आर गोना यूज इट, बिकॉज इट्स फॉर्मूला ऑफ साइन ए कॉस बी, हाँ सो यू विल यूज इट दैट वे ओनली, ठीक है सर हम लोग समझ गए आपकी बात, तो इसका मतलब अच्छा साइन 80 था ना, एक बार चेक कर लो, हाँ सर, तो यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, नहीं एक्चुअली माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है सर बिल्कुल ठीक है सर। अब आप आगे बोले, तो मैं बोलता हूं जब आप लोग आगे ध्यान दोगे, जब आप लोग आगे ध्यान दोगे तो आप लोग का क्या आएगा, यहां देखो इट्स अ गुड क्वेश्चन इंडीड, तो साइन ए प्लस बी यानी कि देखो 80 प्लस 20 करने बोल रहा है अपने को, 100 माइनस ए माइनस बी यानी कि 80 माइनस 20 करने को बोल रहा है अपने को, विच इज साइन 60, यू सी, जी सर बिल्कुल ये साइन 60 है, तो यानी कि यहां हमने लिख दिया साइन 60, ठीक है ना, जी सर बिल्कुल। आगे बोले सर, अब आप, मैं बोला आगे क्या है सर, आगे आप लोगों का है वेयर इज इट, हाँ अच्छा एक और बात बता देता हूं, अगर आप लोगों ने ये देखा है, अच्छा ठीक है यहां पर एक चेंज होगा, यहां पर भी एक चेंज है वो मैं रिपीट कर दूंगा, वेट अ सेकेंड, हाँ वेट अ मिनट, मुझे पता है, एक बात बता दे रहा हूं आप लोगों को, सुनते जाना बात को, फिर क्या है माइनस साइन 80, जस्ट लेट इट बी द वे इट इज, इसमें तो नो चेंज, सिमिलरली डिनोमिनेटर में कॉस 80
प्लस, देखिए टू कॉस ए कॉस बी है, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस 100 हुआ आई बिलीव। जी सर बिल्कुल हुआ। प्लस कॉस ए माइनस बी हार्डली मैटर बिकॉज कॉस 20 माइनस 80 माइनस 60 भी होता है, तो वो कॉस 60 बन जाएगा, ठीक है ना। सो देर इज नथिंग, नो चेंज इधर। पर यहां पर एक चीज जो है वो आप लोग गौर फरमाइए सर, वो किस चीज पर? वो दोस्तों इस चीज पर कि यहां पर ना सबसे ज्यादा गलतियां होती है अपने से। क्या गलतियां होती है मैं आपको बताता हूं, समझना सर। टू साइन ए कॉस बी है, मैंने साइन में ग्रेटर वाला वैल्यू अगर लिया है ना, तो मैं यहां पर प्लस यूज करूंगा। सुनना सुनना, फर्क क्या पड़ेगा सर ये बताता हूं मैं यहां पर ग्रेटर वाला वैल्यू यूज करूंगा, परंतु मान लो मैं वो टू कॉस ए साइन बी रहने देता तो मैं फिर यहां पर माइनस यूज करता। सर विल इट वुड इट हैव मैटर्ड एट ऑल? मैं बोला यस इट वुड हैव मैटर्ड। पहले आप लोग ये प्लस के साथ सॉल्व करते हैं अपने आराम से, फिर मैं आगे बात करता हूं, ठीक है ना। जी सर, मैं इसी ऊपर वाले को न्यूमरेटर को मैं वापस लिखकर आपको बताऊंगा कि व्हाट चेंज आई एम टॉकिंग ऑफ। ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है, फिर एक चेंज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, आई विल रिपीट इट फॉर यू, ठीक है ना। सुनना आप लोग बात को, क्योंकि देखो व्हाट द फॉर्मूला दैट आई हैड रिटन, कोई ये मत बोलना गलत है, बस वो है कि अगर ये मैं साइन 80 और इसको जो है इंटरचेंज कर दिया, वो मैं नहीं करता तो वो वाला फॉर्मूला लगता जो मैं लिखा था माइनस वाला, करके भी दिखाऊंगा। बोथ विल गिव द सेम रिजल्ट्स इवेंचुअली, यू सी सेम रिजल्ट्स आएंगे, बस वेट करिए, है ना, पैनिक मत करना। तो फ्रेंड्स व्हाट वाज आई टेलिंग, कि ये रूट थ्री हो गया आप लोग का, साइन 100 प्लस साइन 60 जो है आपकी वो होती है रूट थ्री बाई टू माइनस साइन 80, लेट इट बी एज इट इज, ओके। फिर फ्रेंड्स कॉस 80 प्लस कॉस 100 प्लस, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, 1/2, क्या 1/2, दैट्स इंपॉर्टेंट यू सी सर, ये है इंपॉर्टेंट। आगे बोले सर, अब आप, मैं बोला अब आगे सुनिए आप लोग बात को, मैं बोला अब आगे सुनिए आप लोग बात। हाँ सर बताइए, सुन रहे हैं, आगे बोलिए सर। अब आप, मैं बोला कि देखो ये रूट थ्री जो है वो है साइन 100, साइन 100 को क्या मैं साइन 180 माइनस 80 नहीं लिख सकता? सर लिख सकते हो, बकायदा हक है अपना। और रूट थ्री बाय माइनस साइन 80 तो अपने लोग वैसे का वैसे ही दिखेंगे, नथिंग डूइंग देयर। आगे सुने आप लोग बात पे, कॉस 80 है, कॉस 80 जो है ठीक है अपना अपनी तरफ है, पर कॉस 100 को मैं लिख सकता हूं गाइज 180 माइनस 80, ठीक सर? ठीक सर, फायदा क्या हुआ? मैं बोला फायदा सुनो दोस्तों, साइन 180 माइनस 80 है, साइन 180 माइनस 80 है, मतलब अपन सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है तो साइन पॉजिटिव होता है, दैट्स गोना गिव अस साइन 80 प्लस रूट थ्री बाई टू माइनस साइन 80, ओके गॉट इट सर। होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई, देखिए कॉस 80, कॉस 180 माइनस 80, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यानी कि माइनस कॉस 80। ओह ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो यानी कि बचा क्या, रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होता है, 3/2 होता है, और ये नीचे में 1/2 है, 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 यानी कि 3/2 इंटू 2/1, 2 खत्म इक्वल टू 3, प्रूफ्ड। यही अपने को प्रूफ करना था, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये जान लो, पहली बात। दूसरी बात सर, आपने ये जो चेंज किया था ना बीच में, हम लोग उसमें कंफ्यूज हो गए थे, मैं बोला ओके मैं इस बात को ना वापस रिपीट करता हूं, इस बात को ऑल्टरनेटिव यहां पर मैं स्टार दे देता हूं, जहां से मैं रिपीट कर रहा हूं ना, जो पार्ट मैं खाली रीएक्सप्लेन करूंगा उसको मैं रिपीट कर देता हूं। देखो ये वाले पार्ट को मैं स्टार मार्क कर दिया हूं, अब यहां पर मैं लिखता हूं रूट थ्री, खाली न्यूमरेटर को, खाली न्यूमरेटर को देखो रूट थ्री, सिर्फ न्यूमरेटर लिख रहा हूं, है ना, रूट थ्री कहां गया, कहां गया, कहां गया, हां ये रहा अपने लोग का पीच पीच बेस्ट फॉर्म, ये रहा 2 साइन 80 कॉस 20, 2 साइन 80 कॉस 80 कॉस 20, हाँ 2 साइन 80 कॉस 20 माइनस साइन 80 था क्या न्यूमरेटर में, एक बार मैं बस चेक कर लेता हूं, है ना, खाली न्यूमरेटर को मैं दोबारा आपको बताना चाह रहा हूं, साइन 80 करेक्ट। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने जो है साइन वाला वैल्यू विच वॉज ग्रेटर उसको मैंने पहले रख लिया, अगर मैं नहीं रखता ना तो ये कुछ इस प्रकार होता, 2 कॉस, देखिए साइन 80 को मैंने पहले रखा, मैं कॉस 20 को रखता, साइन 80 को रखता, देखो प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है, पर ये जो है ना ये फॉर्मूला 2 कॉस ए साइन बी का बनता है, ये फॉर्मूला मैंने कहा था ना सब प्रैक्टिस करवा दूंगा,
तो ये टू कॉस ए साइन बी का बनता है, जिसमें मैंने फॉर्मूला जो लिखा था वो ठीक बिल्कुल लिखा था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो देखो नतीजा क्या होता दोस्तों, नतीजा क्या होता दोस्तों, इसका खाली न्यूमरेटर का नतीजा देखना, रूट थ्री साइन, देखो प्लस जो है वो 100 है, अब देखना गेम, माइनस साइन ए माइनस बी, मतलब माइनस साइन 20 माइनस 80 माइनस 60 करना पड़ता, और ये माइनस साइन 80 वैसे का वैसे ही था, राइट। सो दोस्तों आपका होता क्या, रूट थ्री साइन 100, अच्छा साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 60 बाहर आता तो प्लस साइन 60 होता, और ये माइनस साइन 80। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहता हूं सुन लो, इसका मतलब आपका आया क्या, साइन 100 प्लस साइन 60 माइनस साइन 80, यही आया ना, ये देख लो साइन 100 प्लस साइन 60 माइनस साइन 80, यही कहना चाह रहा था कि दोनों में ये याद रखना कि आप पहले क्या यूज कर रहे हो। मैंने क्या है, मैंने रिवर्स कर दिया था, मुझे याद क्या था, देखो मैंने क्या किया था, मुझे याद था कि कॉस अभी भी सामने में, तो लेकिन रियलिटी में मैंने कॉस और साइन को इंटरचेंज कर दिया था। तो बस अगर साइन सामने में है तो फॉर्मूला में प्लस होता है, अगर कॉस सामने में है तो फॉर्मूला में आपके माइनस होता है। गाइस डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया है होमवर्क किया है दे विल अंडरस्टैंड, यो और नो, क्या बोलती पब्लिक फटाफट। कुछ लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, गाइस प्लीज मेक श्योर यू आर रिस्पॉन्डिंग, लुका छुपी मत खेलें। क्योंकि आप लोग क्लास कर रहे हो वी कैन सी बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके ठीक है, ऑल राइट, ओके चलिए ठीक है फ्रेंड्स। अब सुनना, थोड़ा सा उठाऊंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को उठाऊंगा, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, मतलब जिसको मैं बोल रहा हूं कि मैं उठा रहा हूं, इसका मतलब एक्चुअली या इसका पर्पस एक्चुअली ये है कि आप लोग कंफर्टेबल हो ऐसे क्वेश्चन के साथ भी कल को एग्जाम में आ गया तो, ठीक है ना, बेटर इन क्लास देन इन एग्जाम ना, कि फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन को देख रहे हो। ये क्वेश्चन क्या है, देखो बाकी सारा क्वेश्चन इसमें सिमिलर ही है, बस एक पेज नंबर 54 में एक क्वेश्चन है, काइंडली बस आप लोग वो देख लो, ठीक है ना। वो क्वेश्चन में क्या है ना, स्टूडेंट लोगों को दिक्कत था, जैसा कि कुछ लोगों ने पूरा सम कर लिया है तो उन्होंने कहा था मेरे को, तो मैं एक बार वो डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं गाइस, पेज नंबर क्या है, पेज 54, ओके, अपने स्टडी मटेरियल का, ठीक है ना, ध्यान दें आप लोग। इफ ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं ना, परेशान कर देते हैं आप लोग को, कि प्रैक्टिस सब करके गए ऐसा क्वेश्चन आके गोली मार दिया, उससे बचना है अपने को। इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन अपने को क्या बोला गया, What is the maximum value of cos alpha cos beta? या अपने को बोला है show that max value, सर question जो है ना, maximum students बोलेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया, maximum value of cos alpha cos beta is 1/2, ये अपने लोग को बोला गया, ठीक बोला गया तो बोला गया। मैं बोला ध्यान दीजिए बाप लोग, मैं बोला ध्यान दीजिए आप लोग बात को, ठीक है सर। अब आप लोग सुनना, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, लेट इट बी वेयर इट इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा बोला, मैं बोला लिख लो कॉस अल्फा कॉस बीटा, इट गोज विदाउट सेइंग व्हाट सर, कि अपने लोग को हाफ और टू करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड, सर ये बात तो ठीक बोलते हैं आप, सर ये बात तो आप ठीक बोलते हैं कि अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा है अपने पास तो अपने लोग हाफ और इधर पे इंटू टू मारेंगे, कर सकते हैं सर। अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को दिया अल्फा प्लस बीटा 90 है, और दोस्तों अपने को प्रूफ करना है कि मैक्सिमम वैल्यू जो कॉस अल्फा कॉस बीटा पोजेस कर सकता है दैट्स 1/2, मैं लिखा कॉस अल्फा कॉस बीटा और हाफ इंट और टू मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब आगे बोले सर, अब आप देखिए हाफ आपका वहीं पे वहीं का वहीं है, टू कॉस ए कॉस बी आपका क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो इसको मैं लिख देता हूं कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। दोस्तों यू विल हैव टू अग्री, सर वी डू अग्री, मैं बोला अब आगे सुने, अगर आप लोग को क्लैरिटी है अबाउट योर फंडे तो आप लोग अग्री करोगे कि यार सर सीधी सी बात है, ये कॉस 90 तो हमारा जीरो आ गया, कॉस 90, सर ये 90 कौन बोला आपको, अरे भाई ऊपर में लिखा है अल्फा प्लस बीटा 90 है, मैं नहीं बोला, तो यानी कि कॉस 90 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग देखो हाफ क्वेश्चन बड़ा ईजी है, बस वो अपने लोग का अप्रोच देखे नहीं अपने ऐसा क्वेश्चन कभी, तो वी मे यू नो फील अ लिटिल अफ्रेड ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और क्या।
अब आप आगे बोले सर आप, तो मैं बोलता हूं देखो, मैं बोला देखो इसका मतलब हाफ जीरो तो खत्म हो गया, तो हाफ कॉस अल्फा माइनस बीटा पे मैं लैंड किया। सर बिल्कुल आपने लैंड किया वहां पर, जिसको मैं लिख सकता हूं कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ठीक सर, लिख सकते हो सर। मैं बोला अब आप लोग सुनना, मैं बोला अब आप लोग सुनना, क्या बात सर, क्या बात बोलिए सर। आज आप लोग एक बात तो अग्री करोगे, ग्राफ ऑफ ट्रिगो फंक्शन सीखने के बाद, इतना ग्राफ मैंने डोमेन और रेंज बताया था, तो अगर आपको याद हो तो कॉस फंक्शन का, अगर एक फंक्शन है कॉस कॉस थीटा, तो भाई कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो अपने लोग क्या समझे थे, वन। और अपने लोग ये भी जाने थे दोस्तों, यू विल हैव टू अग्री कि कॉस थीटा जो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है वो है माइनस वन, याद है इस तरह से वेव फ्लो करने का बताया था मैंने। हाँ सर बताया था आपने, कॉस थीटा का ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। जी सर बिल्कुल। तो थीटा जो है ये अल्फा माइनस बीटा की तरह ही है, तो मैं बोलता हूं कि भैया ये जो कॉस अल्फा माइनस बीटा है जो कि थीटा की तरह ही है, उसका वैल्यू मिनिमम माइनस वन जा सकता है, मैक्सिमम वन जा सकता है। हाँ सर, परंतु अगर बाई टू है तो दोनों तरफ बाई टू लगाना पड़ेगा, तो मतलब अगर कॉस अल्फा बाई अल्फा माइनस बीटा बाई टू का देखना है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, वन बाई टू, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू। तो कल को कोई पूछ लिया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, गाइज यू विल हैव टू हैव द आंसर फॉर दैट, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हाफ और मिनिमम वैल्यू माइनस हाफ। तो मिनिमम वैल्यू ओ माइनस वन बाई टू, मैक्स वैल्यू कितना है, वन बाई टू। और अपने को प्रूफ करना था मैक्स, कल को क्वेश्चन में मिनिमम भी दे दिया, तो ओ अच्छा, सर इसीलिए टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ यू नो मिसहैप हम लोगों ने पहले ही इस चीज को कवर कर लिया, ठीक ना। तो दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, परंतु सर एक क्वेश्चन, बोला क्या सर, यार क्वेश्चन में तो कॉस अल्फा कॉस बीटा बोला और आपने तो इसका प्रूफ कर दिया कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू का। अरे नालायक, मैंने ये जो है कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसी को कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू प्रूफ किया है। देखो ना, मैंने जब शुरुआत किया तो मैंने क्या किया, मैंने कॉस अल्फा बीटा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा से किया, विच इवेंचुअली केम डाउन टू बी कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सेम ही चीज को किया ना। गाइज डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, यू और नो, क्या बोलती पब्लिक, फटाफट एकदम फटाफट बोलेंगे गाइज, सो दैट देर इज समथिंग न्यू दैट आई नीड टू इंट्रोड्यूस यू विथ एंड आई कैन डू दैट सक्सेसफुली। यू सी, आप लोग का वेट कर रहा हूं, केवल केवल दोस्तों वेट कर रहा हूं आप लोगों का। ओके ऑल राइट, ठीक। आइए अब आप लोग को, जैसे मैंने लास्ट डे चार नया सेट ऑफ आइडेंटिटीज गिफ्ट किया था, लास्ट डे सिक्स या सेवन किए थे, आज भी मैं आपको चार नया सेट ऑफ आइडेंटिटीज गिफ्ट करता हूं और इस बातचीत को, इस डिस्कशन को अपने आगे लेकर चलते हैं। सर बताओ क्या बातचीत है, मैं बोला ध्यान दें आप लोग, ये है, ठीक है सर ये है जनाब, बातचीत क्या है जनाब, बातचीत क्या है, मैं बोला सुनो बातचीत है कुछ रूल्स। अच्छा मुदित आइडेंटिटीज में दोस्तों, मुदित हम लोग लगभग एंड की तरफ आ गए हैं, परंतु मुदित फिर हम लोग सब मल्टीपल्स भी करेंगे, सब मल्टीपल्स मुदित इजी हो जाएगा, मल्टीपल्स अगर आ गया बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं उस पर। याद रखना कि अब जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं ना, इट्स यू नो प्रोसीडिंग टुवर्ड द एंड, ठीक है ना। आप लोग अगर अपना पेशेंस खो दिए, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था, आप लोग रिकॉर्डिंग भी चेक करना कि पेशेंस इज द की इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इन दिस काइंड ऑफ चैप्टर। ये चैप्टर आपको लंबा नंबर भी दिलाएगा तो आपसे लंबा मेहनत भी करवाएगा, यू विल हैव टू गो विद इट, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट एज इट इज, ठीक है। हाँ सर बोले सर। अब आप तो दोस्तों चार नया आइडेंटिटीज में इंट्रोड्यूस करता हूं आपके साथ, ठीक है ना। ओके ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटीज ये है, बोलिए सर। अब आप सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, अगर दोस्तों अपने बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटीज का, नंबर वन है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। देखो यार सीधी बात है, कॉस का आ गया, कॉस में डबलेट्स ही होते हैं जनरली, ये कॉमन सेंस आप लोग को हेल्प करेगा इस पैटर्न को पहचानने में। देखो पैटर्न आप लोगों को पहचानना पड़ेगा, पैटर्न पहचानने में मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता,
कैसे, जब समथिंग ऑफ दिस फॉर्म हो तो डबलेट्स कॉस का, ये आप लोगों को यू नो इजी रहेगा याद रखना। वैसे ही अगेन कॉस में माइनस है तो आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि साइन का खेला ही है, डबलेट्स अभी भी रहेंगे परंतु साइन के। ओ आगे बोले सर, अब आप, मैं बोला ध्यान देना आप लोग बात पे। अच्छा अब साइन का प्लस है, साइन का क्या है ना, साइन में डबलेट्स नहीं होते तो पहले साइन खुद आता है और फिर कॉस को भेजता है। अगर साइन के प्लस फॉर्म में है, लेकिन लास्ट वाला बस ध्यान रखना आप लोग, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करवाता है ये, साइन एक्स माइनस साइन वाई अगर है तो आप लोगों को कॉस पहले रखना है दोस्तों। दैट्स इट, दैट्स इट, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब मैं बोलता हूं ध्यान देना, ये ट्रिगो ट्रांसफॉर्मेशन में घुस चुके अपने। ओके सर, अब आप आगे बोलो सर। आप, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस सीधा करवाना चाहूंगा गाइस, सो प्लीज कम टू वही पेज 54 में हेडिंग दिया हुआ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, उसी के अंदर अपने लोग कर रहे हैं। पहले तो मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूं एंड उसके बाद वी विल प्रोसीड फर्दर, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं आपको करवाता हूं वन का टू, तो अगर आप लोग देखो पेज नंबर 54 1 का 2, तो 1 का 2 क्या है, देखो क्वेश्चन है साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा। देखो याद रखना पड़ेगा आपको, क्या याद रखना पड़ेगा कि भाई सीधी बात, नो बकवास, साइन ए माइनस साइन बी सर ने बताया है कि डबलेट्स नहीं होंगे और क्योंकि नेगेटिव में है तो कॉस पहले आएगा जंग लड़ने, बिल्कुल ठीक याद है आप लोगों को, साइन ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। तो जी सर, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप लोग को ये याद है, बार बार ये फॉर्मूलाज को लिखिए, जब आप लोग प्रैक्टिस करें ना बार बार लिखिए, इट विल हेल्प यू रिमेंबर दिस, इट विल हेल्प यू रिमेंबर दिस, क्योंकि मेरे को याद है कि मैंने अलग से लर्निंग नहीं की थी इनकी, ठीक है ना। जी सर बिल्कुल, तो अब बताएं सर फिर क्या था। सो टू कॉस ए यानी कि 5 थीटा प्लस बी यानी कि थीटा बाई टू इन टू साइन 5 थीटा माइनस थीटा बाई टू। तो गाइस 2 cos, देखो 6 थीटा बाई 2 यानी कि 3 थीटा और sin 4 थीटा बाई 2 यानी कि 2 थीटा, करेक्ट यही है ना। हाँ सर बिल्कुल यही है। तो गाइस ये हो गया आपका ये वाला सम खत्म। सर खत्म भी, हाँ आपको प्रैक्टिस करवाना था, रिवाइज करवाना था ये फॉर्मूला, नथिंग एल्स। एक्चुअल एक्शन विल बिगिन वेरी सून, मतलब एक क्वेश्चन और कर ले फिर उसके बाद द एक्चुअल एक्शन विल बी सीन बाई यू। सर बताओ क्या, मैं बोला ध्यान दीजिएगा पार्ट नंबर 4 पे, पार्ट नंबर 4 जो है 1 का उस पर ध्यान दो, साइन 2 थीटा। अच्छा देखो पार्ट नंबर 4 के बारे में भी एक खास बात है, पार्ट नंबर 4 के बारे में भी एक खास बात है। सर क्या, सर पार्ट नंबर 4 के बारे में ये खास बात है कि इसमें लिखा हुआ है साइन 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला आपने हम लोगों को प्रिपेयर करवाया ही नहीं, कौन बताएगा क्या करना है, मैंने नहीं करवाया। मैं तो बोलता हूं कि साइन ए प्लस कॉस बी, ये तो मैंने आपको नहीं बताया। सो गाइज इसका मतलब सम छोड़ दे क्या, कोई तरीका नहीं है क्या करने का, क्या बोलती पब्लिक, छोड़ दें? हाँ सर छोड़ दीजिए। क्योंकि देखो साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए प्लस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी है, बट साइन ए प्लस कॉस बी सर ये तो आपने नहीं सिखाया हमें। मैं बोला हाँ नहीं सिखाया, पर इसको बुद्धि लगा के कर सकते हो। कैसे, साइन ए भाई आप लोग को ये लॉजिक तो पता ही है ना, देखो यहां पर इंटेलिजेंस चेक होगा, आप लोग को ये लॉजिक तो पता ही है ना कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, ये तो मालूम है आप लोग को, नहीं मालूम सर, मालूम हमें। मैं बोला बस 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 ये कॉस 4 थीटा है, इसको मैं साइन 90 माइनस 4 थीटा लिख दूं ना, बात एक ही है। परंतु सर इससे फायदा क्या हुआ आपका, लो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मेट में आ गया मेरे। ओ अच्छा 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 सर अब करना क्या है, अब आप लोगों को करना ये है कि वही फॉर्मूला यूज करना है, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। तो कॉस के केस में ए माइनस बी बाई टू है तो ए माइनस बी, यानी कि ऐसे ही लिख देता हूं, पता चला लोग कंफ्यूज होके बैठ गए,
ठीक है ना। अब आप ध्यान दो, तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा, टू साइन, देखो टू थीटा माइनस फोर थीटा मतलब माइनस टू थीटा, करेक्ट, ये तो ठीक है सर, प्लस 90/2 और कॉस 20, अच्छा यहां पर टू थीटा है ना, बिल्कुल। तो सर टू थीटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग बात पे, ध्यान दीजिएगा आप लोग बात पे, हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं हम लोग। तो मैं ये बोलता हूँ आप लोग को, अच्छा ये 90 डिग्री है बाय द वे, हाँ इसको थीटा जैसा मत समझ लेना, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉस टू थीटा माइनस 90 प्लस फोर थीटा होल डिवाइडेड बाई टू, तो फ्रेंड्स आपका आएगा क्या, सुनना लोग, सुनना कि आप लोगों का आएगा क्या, टू साइन 90 माइनस टू थीटा बाई टू कॉस, देखो 6 थीटा माइनस 90 है, सो सर 6 थीटा माइनस 90 है, जो पॉजिटिव है उसको मैं पहले लिखता हूं बाई टू, करेक्ट बात है। अगर फ्रेंड्स इसको न्यूट्रलाइज करें आप, तो 2 साइन ये क्या होता है 90 बाई टू 45 माइनस 2 थीटा बाई टू यानी कि थीटा, कूल सर कूल, और कॉस 60 बाई टू यानी कि 30 माइनस, नहीं 30 लिख दिया सॉरी, 3 थीटा, 6 थीटा है ना वो, तो माइनस 90 बाई टू यानी कि 45। सर हम लोग अग्री करते हैं आपकी बात से, सर हम लोग अग्री करते हैं आपकी बात से, आप आगे बोले सर, मैं बोला आप सुनना आप लोग आगे, मैं चाहता हूं कि इसको और इसको एक तरीके से लिखा जाए, तो सर मैं क्या बोलता हूं, 2 साइन 45 माइनस थीटा कॉस, सुनना सुनना सुनना, मैं माइनस कॉमन लू तो 45 माइनस 3 थीटा हो जाएगा सर, हो गया तो मैं बोला आप ध्यान दीजिएगा, मैं बोला आप ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कॉस ऑफ माइनस ये थीटा है पूरा, विच इज कॉस थीटा ओनली, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब मैं अगर इसको ऐसे लिख भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस खत्म सम, खत्म सम, और आगे कुछ बढ़ नहीं सकते अपने, तो दैट्स इट, दैट्स इट दोस्तों, और आगे अपने नहीं बढ़ सकते, तो दैट्स इट। पर हाँ, जब तक सिंप्लीफिकेशन हो सकता है करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसमें आप लोग एस्केप मत ढूंढना, उसमें आप लोग एस्केप ढूंढने की कोशिश करोगे गंदा फंस जाओगे। ये क्लियर है क्या, इतना अगर क्लियर है दोस्तों, इट हैज मेड यू कंफर्टेबल, देन वी कैन मूव ऑन, यू और नो, क्या बोलती पब्लिक, फटाफट थोड़ा सा और लेवल को एलिवेट करेंगे अब अपने। ये वाला क्वेश्चन करवाया जा सकता है आप लोग से, हाँ सर बताओ कौन सा करवा रहे हो आप। मैं दोस्तों करवाना चाह रहा हूं आप लोगों को 2 का पार्ट 5, हाँ सारा सेम ही है, तो 2 का पार्ट 5 मैं सीधा करवाना चाह रहा हूं, एक बार बस कंफर्मेशन देख लूं सबका। एंड गाइस प्लीज क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, जो लोग एंड में बैठेंगे ना, हाँ खुशी देखिए, खुशी खुशी का क्वेश्चन है कि सर इसको यही छोड़ दो ना, आप एक्स्ट्रा क्यों सॉल्व करते हो। नहीं खुशी पॉसिबल है, खुशी पॉसिबल है कि हाफ मार्क्स काट ले एग्जामिनर, और अपने को तो 100 मांगता है खुशी। अच्छा एंड गाइस आप लोगों को मैं बता दूं कि खुशी हैज स्कोर्ड 100/100 इन हर क्लास 10 एग्जामिनेशन, तो कॉन्ग्रेचुलेशन खुशी, खुशी आपका खुशी में मेरा खुशी, और ऑल ऑफ अस वेरी खुशी बिकॉज ऑफ योर 100 खुशी, ठीक है। तो पर हाँ खुशी, अगर आप लोगों को 100 वापस से चाहिए खुशी, तो खुशी ऐसे नहीं करने से चलेगा खुशी, ठीक है ना। अब आप लोग ये बताइएगा काउंट करके अगर मैथ्स अच्छा है कि मैं कितनी बार खुशी बोला। चलिए अब मैं आगे बढ़ते हैं, टाइम पास हो गया बहुत, सुनिएगा। तो मैं मूव ऑन करता हूं और आप लोग अब देखिएगा, 2 का पार्ट 5, 2 का पार्ट 5 इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। तो अगर अपने 2 के पार्ट 5 में देखें, तो 2 का पार्ट 5 अपने को बोलता है प्रूव दैट, प्रूव दैट साइन 105 प्लस कॉस 105 इक्वल टू कॉस 45, प्रूव दैट साइन 105 प्लस कॉस 105 इक्वल्स टू, क्या प्रूफ करना है, कॉस 45। अच्छा साइन 105, हाँ ठीक है चलो ठीक है, कॉस 45 डिग्री। सर सीधी बात नो बकवास, आप लोगों को पिक करना है LHS से, आप लोगों को गेम पूरा पिक करना है LHS से, सर बिल्कुल ठीक। तो मैं क्या बोलता हूं, LHS, LHS में आप लोग लिए, ठीक
सर बिल्कुल ठीक। अब मैं क्या बोलता हूं, देखो गेम प्लान सेम है, ऐसे अगेन गेम प्लान मेरा सेम है क्योंकि मुझे पता है साइन ए प्लस कॉस भी मैं नहीं करने वाला, नहीं कर पाऊंगा, मुझे दोनों में से एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर तो फिर कैसे करोगे सर कन्वर्ट? मैं बोला ध्यान दीजिए, क्या मैं गलत हूं अगर मैं ये बोलता हूं, देखो साइन 105 तो वैसे का वैसे रहा, नथिंग डूइंग देयर, परंतु कॉस 105 है, कॉस 105 को ना मैं जानबूझ के छेड़ने के लिए मैं लिखता हूं कॉस 90 प्लस 15। सर कुछ गलत तो लिखे नहीं लेकिन आप? मैं बोला हां। आप लोग अब देखो क्या चलता है यहां पर, क्या चलता है यहां पर, आप लोग देखो साइन 105 हो गया, अच्छा कॉस्ट 90 प्लस 15 है दोस्तों, तो कॉस्ट 90 प्लस 15 है अगर आप लोगों का, ऐसे अगेन कॉस्ट 90 प्लस 15 है दोस्तों आप लोगों का, अगर देखो कॉस्ट 90 है और प्लस 15 आप सेकेंड क्वाड्रेंट में कूद रहे हो, तो दैट मींस वहां पर तो कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, आप लोग का नेगेटिव वैल्यू आएगा, एंड बिकॉज आपने 90 को रेफरेंस एंगल लिया है, जानबूझ के लिया है, गिव्स अस माइनस साइन 15। ओह अच्छा, सर आगे बोले सर, अब साइन ए माइनस साइन बी आ गया, गाइस यू नो द ड्रिल नाउ। अब इसमें मैं आपको क्या बताऊं, साइन ए माइनस साइन बी है, यहां पर आपको पता है कि साइन का केस में दो अलग अलग वैल्यूज यूज होगा क्योंकि नेगेटिव है, तो साइन किसको जंग में आगे भेजेगा, कॉस को भेजेगा, तो टू कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन आप लोगों का ए माइनस बी बाई टू, यही आ रहा है जी सर, बिल्कुल यही आ रहा हमारा। तो मैं बोला देखो टू कॉस, फॉर्मूला लिखना मत भूलना, ये सब बता देता हूं, 105 साइन, अच्छा कॉस ही है ना, हाँ सर साइन ए माइनस बी, 105 माइनस 15 बाई टू, यानी कि टू कॉस आपका कितना आया, 105 प्लस 15 120 बाई टू, यानी कि टू कॉस 60 डिग्री, एंड साइन का आपका आया 45 डिग्री, करेक्ट सर? बिल्कुल करेक्ट। आगे बोले सर, अब क्योंकि 90 आया ना 105 माइनस 15, तो उस हिसाब से मैंने किया ठीक। अभी सर आप देखो आगे, देखो कॉस 60 कितना होता है आपका, अगर आप लोग देखो दोस्तों तो कॉस 60 अपने लोग का 1/2 होता है, करेक्ट, और साइन 45 अपने लोग का कितना होता है सर, साइन 45, अच्छा साइन 45 को रहने दो ना यहीं पर, 2 खत्म, तो आया कितना साइन 45, प्रूफ भी शायद ये करना था, आई एम नॉट वेरी श्योर, अच्छा कॉस 45 करना, तो कोई बड़ी बात है क्या, साइन 45 और कॉस 45 बराबर ही होता है, ये 1/√2 है और RHS में कॉस 45 है विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1/√2, तो देयर वी गिव विन द गेम, देयर फॉर LHS इक्वल्स टू RHS, प्यार भरे दो शब्द, हेंस प्रूव्ड। फ्रेंड्स आई बिलीव ऑल ऑफ यू हैव गॉट द लॉजिक, याद रखना अगर साइन ए प्लस कॉस बी के फॉर्मेट में है ना तो एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या तो दोनों को साइन में लाओ या दोनों को कॉस में लाओ, योर चॉइस, इट्स योर चॉइस, परंतु करना पड़ेगा, वरना साइन ए प्लस कॉस बी का दुनिया में पृथ्वी पे कोई एज सच फॉर्मूला एग्जिस्ट करता नहीं है, इंडिपेंडेंटली ऐड करके बैठने का नो फॉर्मूला एज सच। ऑल राइट सर, सर थोड़ा सा और आगे बढ़िए, पहले ये बता दीजिएगा आप लोग को ये क्लियर है ना, क्योंकि इसमें दिक्कत आया तो मेरे को फिर इधर पे फंसना पड़ेगा। 2 और 3 सेम ही तरीके का है, ओके सर। अब मैं आप लोगों को करवाता हूं 4 का 2, बिकॉज इट इज स्लाइटली डिफरेंट। हा एक बार कंफर्मेशन कर देना दोस्तों, ठीक है, ऑल राइट। तो गाइज अगर आप लोगों को इतनी बातें क्लियर है, मैं मूव ऑन करता हूं 4 के नंबर 2 पर, 4 के नंबर 2 पर। तो देखो भाई क्या है इसके अंदर, 4 का नंबर 2, प्रूव दैट कॉस 5/4 प्लस एक्स प्लस कॉस 5/4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √2 कॉस एक्स, ठीक सर? बिल्कुल ठीक। आगे बोले सर, अब आप ये प्रूव करना है, गाइस ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू नो द ड्रिल कि भाई अपने लोग को पहले LHS पिक करना पड़ेगा, व्हाई? बिकॉज LHS इज मोर लोडेड,
कॉस ए प्लस कॉस बी। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये कॉस ए प्लस कॉस बी है गाइस, कम ऑन यू नो द फॉर्मूला, डबलेट है। हाँ कॉस का है तो डबलेट है, अच्छा कॉस का ही डबलेट है और प्लस के साथ डबलेट है, तो टू कॉस ए प्लस बी बाई टू और फिर कॉस ए माइनस बी बाई टू होगा। यहां पर लिख लो यार, याद बार बार बोल रहा हूं कि मैंने लिख दिया है, मुझे कोई जरूरत नहीं है लिखने का, मैं बस लिखता हूं इसलिए कि आप लोगों को क्लास में याद हो ये सब चीज, घर के लिए नहीं रखो ये सब आप लोग। कॉस ए माइनस बी बाई टू, करेक्ट सर? बिल्कुल करेक्ट। तो अब आप लोग अगर ध्यान दें तो देखिए, कॉस ए प्लस कॉस बी, बी इसको है हा? तो ये देखो, अब आप लोग समझना, ये अपना ए और ये अपना बी, करेक्ट सर? सर बिल्कुल करेक्ट। आगे बताएं आप सर जर्नी कैसे करेंगे। मैं बोला देखो, तो टू कॉस ए प्लस बी बाई टू है, तो अगर अपने लोग का ए प्लस बी बाई टू है, इसका मतलब फाइव बाई फोर प्लस एक्स प्लस फाइव बाई फोर माइनस एक्स, ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, यानी कि कॉस ए माइनस बी यानी कि फाइव बाई फोर प्लस एक्स माइनस बी, यानी कि मतलब मैं माइनस करूं तो करके क्या आएगा, माइनस फाइव बाई फोर प्लस एक्स आएगा। गाइज यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड दिस, समझ में आ गया ना? ए माइनस बी किया तो ये माइनस फाइव बाई फोर प्लस एक्स हो गया, ठीक है? तो जी सर बिल्कुल ठीक है, बाई टू, ठीक सर ठीक। तो टू कॉस फाइव बाई फोर प्लस फाइव बाई फोर कितना होता है अपने लोग का, फाइव बाई टू होता है, ठीक। और कॉस ये देखो आप लोग, ये खत्म हो गया, तो यहां पर अपने लोग का कॉस टू एक्स, टू एक्स बाई टू आया, यानी कि एक्स आया, बराबर सर? बराबर सर, बराबर है। आगे बोले सर, अब आप, मैं बोला यार ये देखो पाई बाई टू, सुनना आप लोग बात को, हाँ पाई बाई टू बाई टू, तो पाई बाई टू बाई टू मतलब पाई बाई फोर हो गया ना आप लोग का स्ट्रेट अवे, सर बिल्कुल ठीक बोलते हो आप। तो यानी कि टू कॉस पाई बाई टू इंटू कॉस एक्स, प्रूफ क्या करना था हमें ध्यान नहीं है, पर लेट्स टेक इट वन एट अ टाइम। ओके, कॉस पाई बाई टू मतलब कॉस नाइनटी, ठीक बोल रहा हूं ना? हाँ एक बार चेक कर लेता हूं, नहीं पाई बाई फोर हो गया ना, सॉरी ये टू टू मल्टीप्लाई हुआ तो पाई बाई फोर हो गया ना। हाँ अब टू कॉस पाई बाई फोर है, कॉस पाई बाई फोर वन बाई रूट टू होता है, तो गाइस टू इंटू वन बाई रूट टू इंटू कॉस एक्स, करेक्ट? रूट टू कट गया, ये काली काली आंखें टू रूट टू, टू रूट टू। देखो अब तो एल एच एस में अपने लोग आया रूट टू कॉस एक्स, और आर एच एस में भी अपने को वही मांगता, यो सर यो। तो ये हम लोग का हो गया आर एच एस प्रूफ, समझ आया ना? मैंने क्या किया, देखो ये पाई बाई टू बाई टू था ना, तो मल्टीप्लाई हो गया दोनों, टू गाइस एंड पाई बाई फोर, सो पाई बाई फोर वन बाई रूट टू होता है, मतलब टू कॉस पाई बाई फोर वन बाई रूट टू होता है, तो वी जस्ट सॉल्व इट दैट वे। गाइस क्लियर है क्या नंबर फोर आप लोगों को? हाँ या ना बोलिए ना फटाफट, मैं जिससे थोड़ा और आगे अग्रेसिवली बढ़ू, जो चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है वो मैं फिर नहीं एंटरटेन करूंगा, आगे बढ़ूंगा। चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन और नहीं करवाऊंगा फिर। अच्छा अब गाइस आप लोग आओ, देखो सिक्स और सेवन को मैं स्किप कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि करना नहीं आपने, इसलिए बिकॉज एट में सिक्स सेवन फाइव सभी का फ्लेवर इनकॉर्पोरेटेड है, तो मैं स्ट्रेट अवे एट पे जंप कर रहा हूं, बिकॉज इफ यू लर्न एट का एक भी क्वेश्चन ना, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल ऑब्वियसली, बट ठीक है चलिए आप लोग देखते जाइए, है ना? जी सर बिल्कुल। एट का वन, एट का वन जो है वो ये है कि ध्यान दीजिएगा, प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन थ्री ए प्लस साइन फाइव ए बाई कॉस ए प्लस कॉस थ्री ए प्लस कॉस फाइव ए इक्वल्स टू टेन थ्री ए, यही तो करना है आपने प्रूफ? जी सर बिल्कुल। अब मैं बोलता हूं आप लोगों को कि करना कैसे है, हाउ विल यू गो अबाउट इट? गाइज लेट मी टेल यू हाउ वी विल गो अबाउट इट। ओके बोलिए सर। देखिए आप लोग ना दो दो का जोड़ी बनाइए, मतलब जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सुनिए, एल एच एस मैंने पिक कर लिया, ठीक है ना? इट्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइज, बट वन ऑफ द मोस्ट यू नो इफेक्टिव वन, बिकॉज इस एट से सेवन सिक्स भी होगा और एट के आगे का क्वेश्चन भी आप लोग कर पाओगे, ठीक है? ऑल राइट सर, सर टेल अस सर,
हाँ देखिए, तो मैं इसको कैसे लिखता हूं, साइन ए प्लस साइन थ्री ए मैंने ब्रैकेट में ले लिया, साइन फाइव ए को मैंने बाजू रखा, थ्री ए कॉस फाइव ए मैंने बाजू रखा। अब आप लोग देखो, साइन ए प्लस साइन बी है और कॉस ए प्लस कॉस बी है, हाउ विल यू प्रोसीड सर। अब मैं बोला अगर साइन ए प्लस साइन बी है तो आपको पता है क्या करना है, टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, तो यानी कि यूज दैट, जस्ट यूज दैट लॉजिक ना। तो इसका मतलब टू साइन ए प्लस बी बाई टू यानी कि ए प्लस थ्री ए राइट, कॉस ए माइनस बी बाई टू राइट। जी सर बिल्कुल। तो अगर आप लोग कॉस ए माइनस बी बाई टू करोगे तो वॉट यू आर एक्चुअली डूइंग इज ए माइनस थ्री ए बाई टू, ठीक सर ठीक, प्लस साइन फाइव ए, मल्टीप्लाई मत कर देना भूल से भी जोश में आके, ठीक है ना। जी सर बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे बोले सर, अब आप कॉस ए प्लस कॉस बी है, तो यार ये गाइस बहुत इजी है, ए प्लस बी डबलेट है और क्या, कॉस का डबलेट है और क्या, कॉस ए माइनस बी बाई टू ठीक सर ठीक, प्लस कॉस फाइव ए ठीक है सर। आगे देखें आप लोग, आगे देखें अब आप लोग सर, मैं बोलता हूं टू साइन थ्री ए प्लस ए फोर ए, फोर ए बाई टू टू ए, अच्छा कॉस ए माइनस थ्री ए माइनस टू ए, माइनस टू ए बाई टू माइनस ए, कॉस ऑफ माइनस ए इज कॉस ए, कॉस ऑफ माइनस ए इज कॉस ए ठीक सर बिल्कुल ठीक, प्लस साइन फाइव ए होल डिवाइडेड बाई टू कॉस ए प्लस थ्री ए फोर ए, फोर ए बाई टू या टू ए हो गया, नथिंग डूइंग देयर ओके। एंड यहाँ पे ए माइनस थ्री है यानी कि कितना है, माइनस टू ए, माइनस टू ए बाई टू माइनस ए, कॉस ऑफ माइनस ए इज कॉस ए, यही तो हमने ऊपर भी किया है सिमिलरली, अच्छा प्लस कॉस फाइव ए सर ठीक बात करते हो आप। अब मैं बोला ध्यान देना, अब मैं बोला ध्यान देना सर, बताएं क्या सर, बताएं क्या, ऐसा क्वेश्चंस में ना, ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों के लिए एक एडवाइस है, हालांकि ये है कि निकलने का तरीका ऑलवेज मिल सकता है, बट देन एडवाइस ये है दोस्तों कि पहले आप लोग चेक कर लो साइन टू ए कॉस ए साइन फाइव ए। अब आप लोग देखो इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों एडवाइजेबल क्या रहता है, सुन लेना आप लोग बात को, अपने करते हैं ऐसे हैं जैसा मैंने किया ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जिस तरह से मैंने किया उसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मालूम है क्या, कि ए प्लस थ्री ए किया मैंने तो टू ए, मतलब फोर ए बाई टू टू ए आया, ए माइनस थ्री ए तो ए आया। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि आपका यहाँ पर बाजू में साइन फाइव ए वेट कर रहा है, प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि आपका बाजू में साइन फाइव ए वेट कर रहा है, तो यू नो यू विल बी काइंड ऑफ स्टक सर। तो आप कुछ ट्रिक बताइए ना। मैं बोला दोस्तों ट्रिक ये है, कुछ खराब नहीं किया हमने, बस एक बात याद रखिएगा, ट्रिक ये कि हमेशा वो नंबर लें जो स्मॉलेस्ट हो और ग्रेटेस्ट हो, मतलब जब आप लोग एक ब्रैकेट में लें, देखिए मैं आपको करके बताता हूं, इधर ध्यान देना, कुछ काटने का दरकार नहीं है, मैं फॉर्मूला सेम लगाऊंगा पर इन डिफरेंट वैल्यूज सर, उससे फायदा क्या होगा, मैं बोला भी देखो आपको समझ में आएगा, देखो ध्यान देना। और ये चीज जो मैंने किया, ये चीज जो मैंने किया, ये आप लोगों को भी रियलाइज करना है कि आप लोगों के साथ होने वाला है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ध्यान देना, देखो अब ये है, सब फॉर्मूला मैं सेम लगाऊंगा पर अब आप लोग देखो फर्क क्या है, मैं सबसे छोटा और सबसे बड़ा वाला वैल्यू को एक साथ रखूंगा, फायदा क्या होगा सर, जब एवरेज होगा ना तो थ्री ए आएगा, समझना आप लोग बात को, मैं क्या कर रहा हूं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू को एक साथ प्लग इन कर रहा हूं ठीक। अब आप लोग देखो साइन ए प्लस साइन बी, सेम फॉर्मूला लगाना है अपने को, टू साइन ए प्लस बी बाई टू यानी कि सिक्स ए बाई टू, कॉस ए माइनस बी बाई टू यानी कि माइनस है ना, माइनस है ना, हाँ माइनस फोर ए बाई टू, अच्छा प्लस साइन थ्री है ठीक है ना। जी सर बिल्कुल ठीक है। अब बात आगे बोले, मैं बोला कॉस ए प्लस कॉस बी है, तो भाई कॉस ए प्लस कॉस बी है तो आप लोग को सेम फॉर्मूला यूज करना है, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू यानी कि सिक्स ए बाई टू, कॉस ए माइनस बी मतलब माइनस फोर ए बाई टू, प्लस कॉस थ्री है। अब फायदा आप लोग देखना जो हमारा हुआ है, जस्ट रीअरेंजिंग देम, फायदा क्या हुआ है अब आप लोग देखना, टू साइन थ्री है कॉस माइनस टू ए, कॉस ऑफ माइनस टू ए कॉस टू ए होता है साइन थ्री ए, जी हाँ बिल्कुल सर, टू कॉस थ्री ए यहां पर भी कॉस ऑफ माइनस फोर ए बाई टू यानी कि कॉस टू ए, कॉस ऑफ माइनस टू ए कॉस टू ए होता है, अच्छा प्लस कॉस थ्री ए लिख दिया मैंने। अब आप लोग ध्यान दीजिए, तो मैंने अगर लिखा साइन थ्री ए तो मैं क्या बोलता हूं, कॉमन क्या होगा, टू कॉस टू ए प्लस वन होल डिवाइडेड बाई, यहां पर कॉमन क्या है, कॉस थ्री ए,
तो फिर क्या निकल रहा है आपका, टू कॉस टू ए प्लस वन। देखो ये जो मैं कॉमन ले पा रहा हूं ना, मैं वो फंस गया था, ऐसा नहीं है कि मैं वहां से नहीं निकल पाता, सम वुड हैव बीन वेरी लेंदी, वेरी वेरी लेंदी, इसलिए मैंने हटा दिया उस चीज को। अब मैं कॉमन ले पाया हूं, ये कट गया, ये कट गया, साइन थ्री ए बाई कॉस थ्री ए क्या होता है दोस्तों, टेन थ्री होता है। क्या बोलती पब्लिक, यो और नो गाइस, यही तो प्रूफ करना था ना, टेन थ्री एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइस याद रखिएगा कि आप लोग रीअरेंज ऐसे करें कि छोटा और सबसे बड़ा वाला को एक साथ रखें, चांसेस आर कि वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपको नीचे में, ऐसे जैसे मेरे को हेल्प किए कॉमन लेने में। गाइस डिड यू अंडरस्टैंड कि अपने लोग क्या गड़बड़ किए थे एंड हाउ वी रेक्टिफाइड इट, यो और नो एवरीवन, कम ऑन गाइस। गाइस कम ऑन, फटाफट रिस्पॉन्ड करेंगे आप लोग। ओके ठीक है, चलिए ठीक है, पर दिस इज हाउ यू अटैक दिस क्वेश्चन। अच्छा अब जो भी है ना आगे का आप लोग करते जाना, है ना। हाँ नेक्स्ट क्लास में, हाँ नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं कुछ क्वेश्चन, जैसे आप लोग अगर देखो पेज 56 में तो कुछ काफी अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करें सारा, दो तीन क्वेश्चन आई विल पिक एंड आई विल हेल्प यू आउट, इसमें कोई डाउट नहीं है गाइस, ठीक है ना। बट देन दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर विल ऑल्सो बी ओवर, फिर बस वो सब मल्टीपल एंगल्स और इक्वेशंस बचेंगे, सब मल्टीपल एंगल्स और इक्वेशंस जो है वो ज्यादा लंबे नहीं एक एक क्लास के चैप्टर पे। तो बेसिकली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ट्रिगो अपना और दो क्लास चलने वाला है। बट गाइज हो सकता है आप लोग बोले यार सर तो दो क्लास है, देखो आपको भी पता है मेरा खींचने का आदत नहीं है, जबरदस्ती का टाइम पास का आदत नहीं है, परंतु ये है कि ये जो 11 क्लासेस, आज 9th क्लास है तो लगभग 11 या 12 क्लासेस हम लोग कर चुके होंगे ना ट्रिगो का, आप लोग का जो कॉन्फिडेंस होगा उस 7वें आसमान पर होगा। क्यों? क्योंकि यार अपने लोग एकदम इन डेप्थ काम किए, परेशान उन लोग होंगे जिन लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, पक्का परेशान होंगे। तो गाइज आप अगर उस कैटेगरी के हो तो प्लीज ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट, क्लासेस देखें हमारी साथ साथ प्रैक्टिस करें, क्लासेस देखें साथ साथ प्रैक्टिस करें, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। जो लोग कर रहे हैं वो लोग का बहुत सुखी जीवन निकलेगा, क्योंकि आगे में वो लोग फिर जब हम लोग करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन APGP सिक्वेंस एंड सीरीज जिसको बोलते हैं, बहुत मजेदार चैप्टर है, चार चार पांच पांच क्लास में खत्म होने वाला चैप्टर है आगे सब, वो सब इंजॉय तब कर पाएंगे जब ट्रिगो को काइंडली अच्छे से कर लें आप लोग। फिर क्या होगा ना पता है, चार चार क्लास में चैप्टर खत्म, चार चार क्लास में चैप्टर खत्म, वो होने वाला है। बट देन फॉर दैट पहले इसको खत्म करिए ठीक से। बाय बाय एवरीवन।